welcome back to our channel reaction. So guys, my name is Ayan, my sister. So guys, sorry to say, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सके, तो इसलिए हम आज शूट करने लगे हैं। तो जिन जिन को मैंने कहा हुआ था कि उनकी वीडियो ट्यूसडे को लग जाएंगी, तो वो कोशिश करके आज रात तक हम लगा देंगे। तो आज की जो रिक्वेस्ट है वो किसकी और किसने की हुई? अमान शेख ने की है, एमिनी का सॉन्ग है थड़कपन। तो ये आई थिंक 2 साल पुराना सॉन्ग है, ये बेसिकली 2016 का सॉन्ग है, अगस्त में रिलीज हुआ था। तो इस पे आज हम रिएक्शन देंगे, तो बिना देरी किए सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, क्लिक द बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो गाइस, तो बिना देरी किए पहले सॉन्ग सुनते हैं और फिर मजीद आपसे बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 3, 2, 1 पहले कोई और बंदा था तेरे अम्मी ने। वाओ चल तो कहने का सीधा सड़क पे। मैं हूँ ओरिजिनल, तुम सब पता चली ना मेरा सिंगे, बताओ किस किस की गाड़ी चली। असली नाम मेरा भी लाल है, धीरे से मैंने बोला फिर भी ये बदवाल है, आने वाले कुर्बानी में लाला तू हलाल है, जंगल का शिकारी मैं और तू मेरा शिकार है, हारा मारा पारा जरा फिर से समझा रहा मैं, ऊपर से छू करके कुकर वाला सिटी नहीं हूँ मैं, जो तेरे छूने से मेरे मुँह पे चूना को लपेटू मैं, जब देखू मैं तेरे को तो सोचे जगह पे मुतू मैं, थूकू मैं अकड़ पे तेरे फैन सब को लूटू मैं, तू मैं करेगा मुझसे तो मजबूत के लिए रो रहा है, आतंकी हमलों से वहाँ बच्चा माँ को खो रहा है, पढ़ लिखने के उम्र में वो कप सासर धो रहा है, क्यों तो ये हो रहा है, क्यों तो ये हो रहा है, खैर इसका किसके पास जवाब नहीं, जिसके पास जवाब है इसका वो इसके पास से राज नहीं आता, मैं जब तक ना बोलू सास लिए खास लिए, तुमको पहले दम पे आवाज किए, दुबला होशियार नहीं है सब्जियों की कमी तो माफ किए, फिर भी तुम लोगों से ज्यादा मुझ में बड़ी दास दी है, क्योंकि ना मैं करता कोई गलत काम, करता हूँ गलत तो सीधा करता हूँ हलक जाम, आपको बताया ये सॉन्ग जो है 2016 में रिलीज हुआ था और एमी वे का सॉन्ग है और डायरेक्टर जो है इसकी है डायरेक्टर सताना कुमार और कास्ट जो है अनर्चा दास। अच्छा, ये जो ग्लासेस लगाने से पहले जो थे ये मेरे ख्याल में वही थे और एमी वे का सॉन्ग है। तो असल में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो जादू की ऐनक, पहले जादू का चिराग होता था ऐनक आ गई है और वो आई थिंक ऐनक जो थी वो थी बिनाती की। हाँ, चश्मा जाने के लगा के वो एक जाने के जो बेगर है वो भी एक्टिव हो गया है, जो कि स्क्वेंजर की तरह गंद उठा रहा है, सब कर रहा है और वो बिल्कुल। तो ओवरऑल 2 ईयर्स पुराना सॉन्ग है, मगर वही बात है कि
पुराना सॉन्ग हो नया सॉन्ग हो, हर सॉन्ग जो एमी वेक है बहुत हार्ड, बहुत हार्ड एनर्जी से बहुत हार्ड से, आप बहुत ज्यादा एनर्जी से भरपूर, और आपको लगेगा कि नहीं कि एक बंदा होता है जब स्टार्ट लेता है तो उसको जरा टाइम लगता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता निखार आता रहता है, मगर यहाँ पे ईच एंड एवरी सॉन्ग जो है वो इसी तरह लगता है कि और पता चलता है कि इतनी एफर्ट की हुई है, और फिर अगेन वही है कि सिंपल सी लाइंस होती है उनमें इतना एनर्जी डाल देते हैं कि वो उतना ही यानी कि हर बंदे की जुबान पे आ जाता है। मेरे उसी टाइम का होगा जब गिरफ्तार और ये सारे सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, आई थिंक तो मेरे ख्याल में किंग ऑफ द रैपर भी इनको कहना गलत नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉन्ग और लिरिक्स बहुत अच्छे, और इसमें जो बीच में लिरिक्स में बताया गया है कि काफ़ियों के फैन मैंने ले लिए और ये कर लिया वो कर लिया, ऐसी चीज़ें तो हिप हॉप में आम चीज़ें हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो ओवरऑल सॉन्ग हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, एकदम थड़क पड़क वाला सॉन्ग था। आपको सॉन्ग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जाने से पहले आपको कहना चाहेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। सो गाइस, बाय बाय।